मॉर्निंग राइज। ये अनिस भी मेरे साथ हैं, साकिब भी मेरे साथ हैं और सुबह का माहौल चेक करें। आपको इंडिया के विजिट करके लाते हैं, ये भी आप इंडिया में घुसने वाले हैं। ये इंडिया के गांव में आप घुसें, इधर में गांव था इंडिया का, इंडिया वाली साइड। और अभी हमारी डेस्टिनेशन है वो यहाँ पे नहीं है, ये भी इंशाल्लाह बनेगी। ये हमारी डेस्टिनेशन है, इस जो पीछे की पार्ट नजर आ रही है इससे भी पीछे हमें जाना है इंशाल्लाह। अभी स्टेटिंग में दस तो आपको मैं नकली बांध। अभी हम लोग अपर नीलम के मकाम पे, अपर नीलम जो है बहुत खूबसूरत और एक आप समझ लें एक इस तरह की जगह बनाई इन्होंने जहाँ पे सारे आपको गेस्ट हाउसेज और मोटेल्स मिलेंगे और यहाँ पे आपको रात गुजारने का बहुत अच्छा और लग्जरी किस्म का जो है वो सीन मिलेगा। ये देखें जब आप पतलियाँ के ट्रैक पर चलते हैं तो आपको रास्ते में दो किस्म के दरख्त यूजली यहाँ पे पाए जाते हैं, नजर आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है जो शहनशाह लकड़ है, दियार देवदार जिसको बोलते हैं, ये उसका दरख्त है। और ये वाला जो है ये मेरे सामने ये कॉल का दरख्त है, इसका हम ब्याड़ अपनी जोड़ों की जबान में बोलते हैं और इसका दियार बोलते हैं। ये दियार का दरख्त है, ब्याड़ का दरख्त, ये दोनों बहुत ही महंगी लकड़ होती है और ये यूजली फर्नीचर और आपके जो है वो घर के दरवाजों में यूज़ होते हैं, जो बहुत खूबसूरत लकड़ दूर की आती है, उसे पॉलिशिंग के बाद एक फिनिशिंग बहुत अच्छी बनती है। ये अक्सर ब्याड़ का और समय लबड़ा जो है ब्याड़ का, इसकी सिर्फ जो छोटी सी पहचान है वो ये है कि एक का पत्ता बिल्कुल छोटा होता है और एक का पत्ता थोड़ा लंबा होता है, जिसकी लंबे पत्ते होते हैं। तो अभी क्या अपडेट ये है कि इस गाड़ी में थोड़ा सा इशू आ गया, तो देखते हैं कैसे सॉर्ट आउट होगा। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। आप छोड़ें, आप खूबसूरती देखें कश्मीर की, कश्मीर जन्नत नज़ीर, आह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। ये नाला पता नहीं कहाँ से होता है, अब देखें मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ। अभी जिस जगह से हमने एंट्रेंस ली है इसमें देखें कितना कंजस्टेड इलाका है और पता लगता है यार ये पीछे से इलाका ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अब इसी नाले के साथ साथ हम जाएंगे आगे और आगे जाके आपको मैं दिखाऊंगा कि ये वादी खुलेगी कैसे, बिल्कुल ऐसे खुल जाती है जैसे मैदान होता है। तो ये आप देखते चलें, ये आप देखिए, अब इस पुल से हमने बाहर जाना है, कुछ गाड़ी हमारी ऊपर पहुंच चुकी हैं और कुछ गाड़ी हमारी ये खड़ी हैं, तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है। उम्मीद करते हैं खैर खैरियत से हमारा ये सफ़र जो है आगे की तरफ चले। तो आप हाइट चेक करें, ये पुल कितनी हाइट पर बना है। ये बर्फ़, ये देखें ग्लेशियर आपके सामने, हम ऑलमोस्ट जो है वो ऑफ रोड ट्रैक के पास हैं। ये सामने आपको गवात बाला का खूबसूरत मंजर, बहुत प्यारा गांव है गवात बाला, ये इसकी खूबसूरती है। अब देखें आप यहाँ से आगे मैं आपको बताऊँगा कैसे आपकी वादी जो है वो बिल्कुल वाइट होती है और खुलती है और खूबसूरत नज़र पेश करेगी आगे जाके इंशाल्लाह। ये छोटा सा एक वाटरफॉल था और ये सामने आपका अलवाद है सारा, अलवाद वाला इसको बोलते हैं इस गांव को, और यहाँ से आगे हमारा ऑफ रोड ट्रैक इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहा है। खूबसूरत देखे नाला, ये नाला वही नाला जो मैं नीचे से मेरे साथ चलता आ रहा है, नीचे से आप जिसके साथ चलते आ रहे हैं। सो हियर वी गो, ऑफ रोड स्टार्ट हो गया। और इधर मैं आपको एक और चीज ऐड करता चलूँ, ये जो मौसम है यहाँ पे, ये बाहर का मौसम है और इसमें ये आप देखें हर किस्म के घास के ऊपर फूल खिले हुए और जो इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहे हैं माशाल्लाह। आगे चल के और आपको डिफरेंट, ये देखें पर्पल कलर का फूल है छोटा सा, फिर वाइट कलर के फूल हैं और इसके अलावा ये घास के ऊपर फूल खिले हुए हैं, यानी कि इतनी खूबसूरती है माशाल्लाह के अल्फाज में बयान नहीं थी। आगे आपको चल के ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे तो फिर आपको क्लियर नजर आएंगे इंशाल्लाह। देखिए माशाल्लाह कितनी ये आपकी जो है वो व्यू खुला हो गया और सारा नाले के जो पहाड़ियाँ हैं वो खुली होती जा रही है और वादी खुल रही है। ये आगे आपको और बेहतर दिखाऊंगा इंशाल्लाह और खूबसूरत भी पेश करेगा। ये जितना ऊपर आपको धुंध नजर आ रही है इसके पीछे सारे ग्लेशियर्स हैं। बारिश का समय है, हल्की हल्की फुहार लगी बारिश,
जिसकी वजह से ड्रोन ऊपर चांद नहीं है। हम यहाँ पे खड़े हुए थे और यहाँ पे हमने ये वाला पहाड़ देखा था तो ये फुल ऑफ स्नो था, तो अभी से स्नो खत्म हो चुकी है और ये अभी झाड़ियाँ तो उगी नहीं। उस टाइम पे बिल्कुल चार फूस बन गया, अभी ग्रीनरी है माशाल्लाह। उस टाइम पे स्नो आ चुकी है, इस एरिया से यहाँ पर स्नो मिली थी और अभी ये माशाल्लाह ग्रीन है, फुल ऑफ ग्रीनरी और बहुत खूबसूरत मुझे पेश कर रही है। देखिए आपके सामने जो बीच में वादी आ रही है, सारी ये सारी वादी से होकर हम लोग पतियां तक जाएंगे इंशाल्लाह। स्टे ट्यून्ड। और सबसे मज़े की बात मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे भी आपको गेस्ट हाउसेस की फैसिलिटीज मिलेंगी, दी लाइन कॉटेजेस। और ये वाला है गीर कॉन्टिनेंटल, गीर कॉन्टिनेंटल। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये यहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने माशाल्लाह अपने खेत उगाए हुए हैं और इसी से ये मेरे ख्याल से ये अपना सारा गुजर बसर करते हैं। जाहिर है रोज़ यहाँ से नीचे जाना तो बहुत मुश्किल और माइलस्टोन है, लेकिन ये मुझे ही लगता है कि अपना लोकल जो है ये इधर ही अपने गंदम और ये मकई उगाते हैं बाकी, और इसी से सब कुछ अपनी गुजर बसर का सामान जो है पूरा करते हैं। मतलब बहुत अच्छी बात है और हमें भी ये करना चाहिए, क्योंकि जंग ही सारी पेट की, और पेट की अगर पूजा हर जगह हो जाती तो इससे बेहतर जगह कौन सी हो सकती है जो बिल्कुल जो है वो जन्नत नज़ीर वादी है। माशाल्लाह इट्स रियली अप्रिशिएटेबल माशाल्लाह। आई सैल्यूट द पॉपुलेशन, आई सैल्यूट। ये देखिए माशाल्लाह इन्होंने सूर्यमुखी भी, सूर्यमुखी की रोसेज और सब्जियाँ माशाल्लाह बहुत सही उगाई हुई और बहुत ही खूबसूरत जो है ये लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। फूलों की वादी में फूलों जैसे बचने वाला देखिए आपके साथ। और इस ट्रैक पे चलते हुए आपको रास्ते में बहुत खूबसूरत खूबसूरत वाटरफॉल्स मिलेंगे। एक दो पहले गुजरी हुई दिखा नहीं सका अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए रोड में काफ़ी खड़े हैं और इसी वजह से मेरा कैमरा जो है फोकस नहीं कर पा रहा और ये उसका पानी नीचे से गुजरता हुआ ये ऊपर से गुजरता आ रहा है जितना ये रेलिंग हमारी जा रही है माशाल्लाह। और ये देखें अभी आपके सामने वादी खुल चुकी है, मतलब जिस तरह हम लोग एक बिल्कुल कंजस्टेड से जगह से ऊपर चढ़ते हैं इस तरह हम बिलीव नहीं कर सकते कि आगे से जाके वादी इस तरह खुलेगी। यहाँ देखें आपके सामने कितनी वादी खुली हुई, वही नाला जो हमने जगह सेम वही नाला। तो ये देखें कोर वाटरफॉल जो है हमें एक इस साइड और एक इस साइड, जो लास्ट टाइम आए थे सर्दियों में तो उस टाइम पे इतनी ज़्यादा वाटरफॉल थी, जिसकी वजह ये कि ऊपर जो ग्लेशियर्स जमना स्टार्ट हो गए थे और जिसकी वजह से आगे पानी जो है वो बहाव कम था।
अभी इस टाइम पे जो है देखें सामने आपको ऊपर टॉप पे धुंध नजर आ रही है, काफी हाइट पे हम और इसके ऊपर भी काफी धुंध है। उम्मीद है कि अगर बारिश ना हुई तो और हम बेहतर खूबसूरत व्यू देखेंगे, जो वाटरफॉल्स आएंगे हम दिखाऊंगे सारे वाटरफॉल्स। अच्छा मैं आपको बताता चलूँ, ये जो लोग आपको सामने जो आबादी नजर आ रही है, पहला ग्लेशियर आ गया है जो अभी से रास्ता बना है काट के, पहले इस ग्लेशियर तक जो है ना रोड यहाँ से आके बंद थी, अभी ये खुल गई, लोकल लोगों ने खोली माशाल्लाह। तो मैं आपको बताना चाह रहा था ये जो सामने लोग आप नजर आ रहे हैं घर लोग रहने आते हैं, तो ये कुछ मंथ्स के लिए, दो या तीन मंथ के लिए रहने आते हैं, अपने जो इनके एनिमल्स होते हैं साथ उनको लेके आते हैं और इसी तरह ये कुछ अर्से बाद वापस चले जाते हैं। ये ग्लेशियर वो सामने आप वाटरफॉल देखिए, ये जो इस ग्लेशियर पर बनी थी ये वाटरफॉल सबसे प्यारी और खूबसूरत वाटरफॉल है ये, इसका पानी ऊँचा रॉक्स बड़े बड़े आपके सामने, ये वाटरफॉल प्यारी है माशाल्लाह। और बिल्कुल गार बना हुआ है ग्लेशियर के नीचे जिससे पानी निकल के आ रहा है, ऊपर इसकी ऊपर छत पड़ी हुई है तो गैप नहीं इनमें, लेकिन जहाँ पे जाना कभी नहीं चाहिए क्योंकि ये ऊपर खतरा होता है जाना का, आप बीच गिर सकते हैं। देखें आप इसके ऊपर से बिल्कुल जो है ना इसकी चौड़ाई जो है बहुत कम। और ये ग्लेशियर चला है किसी टाइम पे, उसने साथ में मलबा काफी लाया हुआ है, इतना यानी कि मट इसके अंदर मौसम ही आधी ग्लेशियर है कि मट है सारा, ये सारा ग्लेशियर है बर्फ। ये देखें आप बिल्कुल वादी खुल चुकी है और मैदान बन चुका है यहाँ से। रति गली ले गए वो मशहूर है ऐसे फूलों से, ऐसे फूलों से मशहूर है। और यहाँ पे ये मैं इसको नाम दूंगा पर्पल गली क्योंकि यहाँ पे पर्पल फूल मुझे ज्यादा देखने को मिल गए। देखिए आपको छोटे नजर आ रहे हैं और ये पर्पल भी दे रहे हैं माशाल्लाह, ये देखें। और रोड आप देखें, मोबाइल तो दिखा सकता मैंने बिल्कुल स्ट्रेट पर रखा, रोड देखें किसी शॉर्ट की ग्लेशियर की पोजिशन ये है। और ये जो पानी गिर रहा है ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग सो जीरो साइड से कहीं से आ रहा है, इसी तरह साफ मतलब इसी आने पर जाकर इसको ओवरव्यू करेंगे क्या पर्पल गली आप चेक करें, पर्पल पर्पल फूल माशाल्लाह बहुत भरे हुए हैं।
बाबू सर टॉप वाला अनीस भाई अनीस फ्रेम चेक करें, बाबू सर टॉप का व्यू है ही नहीं है। बाबू सर टॉप से बिल्कुल सेम ही व्यू आता है, लेकिन वादी खुली हुई जो मैंने आपको कहा था नाला भी वहीं से जा रहा साइड से ग्लेशियर। हाँ मून रेस्टोरेंट लगा दें और आगे लगता है इससे आगे कोई ब्रांच नहीं मून रेस्टोरेंट की। हाँ जी जमीन अल्लाह पाक ने बनाई है माशाल्लाह, हर जगह खूबसूरती है, बस देखने वाली आंख चाहिए। एरिया में ये फूल भरे पड़े हैं, देखें माशाल्लाह कि नेचुरल घास उगा फूल है, ये बहुत खूबसूरत, ये भरा पड़ा है, देखें बहुत खूबसूरत, क्या वो ब्लर है, ये सारा वो फूल है, सारा वो हीरो है। निचले गए नाले को आ गए, देखिए वाटरफॉल्स ग्लेशियर्स फोक फ्रीजर था फ्रीजर फ्रीजर जैसी ठंड है माशा अल्लाह। लास्ट टाइम हम यहाँ से वापस बैठे अब जो है बोला एक दो तीन चार चौथी कितने तीन अब सारे माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे काफी कम है, अगर आप आए भी तो यहाँ पे रन ही नहीं करनी, रन ही नहीं करनी, ऑक्सीजन सिलेंडर की लाने की जरूरत नहीं है, एकदम बुरे लाते हैं अल्लाह अपने इंतजाम में रखे सबको। बाकी सर आप इसको मोबाइल करके अच्छा कर ले, ये देखो खूबसूरत माशाल्लाह। ये चौथी ये गिर गई छोटी सी, बहुत छोटी ये वाली इतु सी पित्ती सी पित्ती सी, ये भी देखना पानी रास्ता में आया है। हाँ येलो और पर्पल फ्लावर्स नेचुरल माशाल्लाह।
देखिए माशाल्लाह हर एक किलोमीटर में कोई 10-12 वाटरफॉल्स हैं, इतना खूबसूरत ट्रैक है माशाल्लाह ये, और भी बादलों में और धुंध में और ग्लेशियर जो है नीचे पहुंच गए सारे, यानी कि ऊपर से पिघल के नीचे गिर गए, और जगह इतनी प्यारी है कि मेरा मोबाइल आपको वो लेवल दिखा सकते जो आपकी आंखें देख सकती है, और वो लेवल देखने के लिए आपको इस जगह पर विजिट करना मस्ट है। देखें वाटरफॉल, ये भी मैं आपको समय की साइड की वाटरफॉल दिखा रहा हूँ, जिस ट्रैक से हम जा रहे हैं इसके ऊपर वाटरफॉल आती हैं जो मैं आपको दिखा नहीं सकती, वो बिल्कुल हम उसको जाऊँगा आज दिखा जाए। ये देखें ग्लेशियर हमारे सामने आ चुका है, ये भी हमारे ऊपर से वाटरफॉल आ रही है, ये जस्ट इमेजिन, ये देखिए सुभान अल्लाह। अनफॉर्चुनेटली जो मोबाइल की बैटरी थी वो ख़त्म हो गई थी, मोबाइल डेड हो गया था, मैं आपको भी लेके चलता हूँ फूलों की वादी में जिसके लिए हम आए थे यहाँ पे। दिस इज व्हाट, ये आपके सामने पिंक है, दिस इज पिंक, लाइट पिंक, डार्क पिंक, एंड दिस इज पर्पल, कीप वॉचिंग, दिस इज पर्पल, स्टे ट्यून्ड, दिस नो येलो एंड आगे भाई येलो, वेट एंड वॉच, येलो, पिंक, पर्पल एंड दिस इज येलो, सी दिस इज पर्पल, दिस इज पिंक, सी द क्लोज, पिंक, पर्पल एंड येलो, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये वादी है जी, सुभान अल्लाह। आगे रेड भी, इस तक रेड भी आएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे, भी बहुत ज़्यादा हो रही है ठंड और परेशान की, ऑक्सीजन बहुत कम है इधर, जो भी आए दौड़ने की गलती ना करे, स्मॉल स्टेप्स रखें। ये देखें इक्वल टू लाइट, लाइट पिंक, वाइट, ये भी हैं, सुभान अल्लाह। मैंने गर्म स्वेटर पहनी, जैकेट भी पहन ली, जो बारिश हो तो टिपकी टिपकी कर दी है ना, ये रेड भी है हमारे साथ, ये वाले रेड है। सुभान अल्लाह, ये देख, दिस इज ब्यूटी, हम ये खड़े हैं, ये सामने झील है, वो सामने झील है, हम ये खड़े हैं, ये सब झील है, वो सामने झील है, हम ये खड़े, हम ये खड़े, देख लो बच्चा झील आओ, हम ये खड़े, ये सामने झील है। इसमें हम आपको यही दिखा सकते हैं, आप ट्राई करते हैं आगे कुछ ना कुछ नजर आ जाए, बहुत करीब जाके नजर आएगा, ये झील है जी। मेरा डिस्कशन ये हो रही है जी के अभी हम आगे जाने से कासर हैं, बिकॉज बारिश बहुत तेज हो चुकी है, और ये यानी कि विजन आगे का जीरो है, हम अगर झील के बहुत पास चले जाएं फिर भी हम आपको सिर्फ पानी दिखा सकते हैं, झील का भी नहीं दिखा सकते। एनी हाउ ये जो कुछ है ना, ये आपको कहीं नहीं मिल सकता, बट
लॉस लगी मर्जी लहर करेगा इंशाल्लाह फिर आएंगे। अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई ऐसी कोई सर छुपाने की जगह भी नहीं है, क्योंकि बारिश और तेज़ हो जाती है तो हम कहाँ बचेंगे। अभी सारे भीग चुके हैं और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और धुंध ये है कि बढ़ती जा रही है। तो अपडेट ये है जी कि धुंध खत्म हो चुकी है, फिर भी मैंने डिसाइड किया कि मैं जाता हूँ झील के पास जाकर कुछ ना कुछ बनाऊंगा। ये झील है माशाल्लाह, ये झील है, ये ग्लेशियर से पिघल ग्लेशियर पिघल के इसमें आ रहे हैं और ये झील आपके सामने, और इसमें आप सामने ये व्यूज चेक करें, ये देखें सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। झील क्लियर भी देखो, फूल चेक करें, फूल। अगर हम यहाँ से जल्दी करके वापस चले जाते तो यकीन करें सारी जिंदगी बिताते रहते। मुझे घोड़ा नजर नहीं आया अभी तक। मुबारक हो, झील का क्या नाम रखें? सुभान अल्लाह, ये देखें ये फूल जो खिले हुए, जो मैं हमेशा से इमेजिन करता था कि यार जाना है यहाँ पे और ये फूल खिले हुए देखने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मौका दिया और मैं देखा, यकीन करें मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता कितना मैं खुश हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मौका दिया कि मेरा व्लॉग कंप्लीट हुआ। अल्लाह माशाल्लाह, ये अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि हम ऐसे वापस नहीं गए, कुछ ना कुछ हासिल करके जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको मैं आगे से जाके क्लियर भी देता हूँ। यहाँ से हम पहले वापस जाने लगे थे और अभी हमने धुंध छाई हुई थी बहुत ज्यादा और अब मौसम क्लियर हो चुका है। ये व्यू चेक करिए भाई, सुभान अल्लाह, ये देख ये है वो व्यू, और साइड पे अभी तक ग्लेशियर जो है ना सामने तैर रहे हैं। अगर सामने दिखाएं, सामने वो जो व्यू नजर आ रहा है वो सारा ग्लेशियर पिघल के नीचे आके झील में तैर रहा है, और यकीन करें अगर आप कोई इधर अभी हो सकता है कोई स्नो बियर हो, और मुझे लगता है एग्जिस्ट करते होंगे यहाँ पे, क्योंकि उनकी एक खुराक होती है फिशिंग, और फिशिंग करके अपनी गुजर बसर करते हैं, तो फिशिंग इस झील में अगर नहीं होगी तो फिर कहाँ होगी। और इसमें और ट्राउट आउट होता है भालू को गर्म रखने में और इंसानों को भी गर्म रखने में, बहुत जल्दी किरदार अदा करती है, तो इधर आते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा फील हुआ। और बात ने हमें मौका दिया जिंदगी में उसकी खूबसूरत उसकी जन्नतें, हम दुनिया वाली जन्नतें देखते हैं और आखिर में अल्लाह दे भी देगा, उसने जन्नत दिखा दी। थैंक यू वेरी मच नीस भाई, आपने मेरा साथ दिया इस वीडियो बनाने में, आप और टेन साहब आपने मेरा साथ दिया, हम लोग यहाँ तक पहुँचे और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम किसी न किसी अच्छी डेस्टिनेशन पर पहुँचेंगे और फिर आपसे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करेंगे। देखें थोड़ी देर अल्लाह पाक ने झील का नजारा कराया, और ये पानी चेक करें ये छुप गई है, झील छुप गई है, विजुअलिटी जो है वो जीरो हो गई है, और अब हम यहाँ से वापस जाके अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे।
ये भाई सारे पहुंच आए माशा सब झील देख ली बारिश बहुत तेज हो गई बहुत सारे ख्याल रखे खुश रहे दो में याद रखे अल्लाह हाफिज़ टेक केयर बाय बाय लव यू ऑल